तो भाई ये स्टोरी है आज से ठीक 2 महीने पहले की। मैं गया था बियाला। बियाला मैं क्यों गया था, आए आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो भाई स्टोरी ये है कि मैं गया था बियाला। बियाला जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इटली के नॉर्थ में प्रोविंस है जिसका नाम है बियाला। बियाला में एक कंपनी है जिसका नाम है ला निफ्शो दे सार बेलो। वहाँ पे मैं गया था अपने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए, उनके साथ मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था। वहाँ हम गए, पहले दिन हमने उनकी इंडस्ट्री विजिट की और वहाँ पे हमने उनका सारा प्रोसेस देखा कि फैशन और टेक्सटाइल से रिलेटेड जो जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका क्या प्रोसीजर है और सस्टेनेबिलिटी पे वो कैसे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो है यहाँ पे, मैंने जो एक चीज़ ज़्यादा सबसे ज़्यादा नोटिस की है वो ये कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों पर यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो वहाँ तक जाना मसला नहीं था हमारे लिए, वहाँ हम गए कैसे ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं रोम में रहता हूँ, रोम से हमें जाना था बियाला। बियाला जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, बाय एयर बाय ट्रेन। तो ऑब्वियसली हमने बाय ट्रेन जाना था, तो हम गए बाय ट्रेन। तो बाय ट्रेन में हमें जो है वो डायरेक्ट रूट तो नहीं मिला, हमें इनडायरेक्टली जाना पड़ा। तो हम गए रोम से मिलान। मिलान से फिर हमने जो है लोकल ट्रेन ली, वहाँ से फिर हम गए बियाला। क्योंकि बियाला जो है वो थोड़ा नॉर्दर्न साइड पर है, वहाँ तक जो है वो मेन ट्रेन जो है वो नहीं चलती, वहाँ से लोकल ट्रेन चलती हैं। तो मिलान से हम गए वहाँ से लोकल ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन इतालिया, वो हमने ली ट्रेन इतालिया। वहाँ से मिलान से फिर हम गए बियाला। तो भाई हम फिर मेन स्टेशन मिलान पहुँच चुके हैं और अभी मुझे एक और ट्रेन लेनी है और मुझे अभी इंडस्ट्री टूर के लिए निकलना है। तो इंडस्ट्री टूर जाएंगे तो फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। भाई अभी हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, हमें टिकट मिल चुका है देश वन, और अभी उसी ट्रेन में बोर्ड करने जा रहा हूँ।